हेलो, आज हम क्रेनियल नर्व्स ऑफ वालागो अट्टू के बारे में जानकारी लेंगे। क्रेनियल नर्व्स अगर हम फिश का पढ़ते हैं तो जनरली क्रेनियल नर्व्स, चाहे वो फिश का हो या एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स या मैमल्स, इन सभी में एक चीज कॉमन है, ये सारे एनिमल्स वर्टिब्रेट हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्टिब्रेट एनिमल्स में कुछ समानताएं होती हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं। दैट मींस द वर्टिब्रेट एनिमल्स हैव अ सिमिलैरिटी इन देयर एनाटॉमी। इनकी एनाटॉमी में अगर आप देखें तो सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है। तो यहां तक कि जब हम इन वर्टिब्रेट एनिमल्स की ब्रेन की स्टडी करते हैं, ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ अ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो मैं आपको एक एक पॉइंट्स लिखाता जाता हूं, इंपॉर्टेंट जो भी है। फर्स्ट क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि एक टर्म यहां पर यूज किया जाता है, न्यूरोलॉजी। यानी कि अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। तो वर्टिब्रेट के अंदर अगर न्यूरोलॉजी की स्टडी करते हैं तो दिस इज अ वेरी टफ एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स कहलाता है। ये टेरिफाइड एक तरीके से है, लोगों को अक्सर इससे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर और लाइक अ टॉपिक, न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जब हम नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं तो हमें इसके ब्रेन की एनाटॉमी और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना पड़ता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ आपको नर्व्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको एक ओवरव्यू इसका दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेन है, ब्रेन अगर हम वर्टिब्रेट को बनाते हैं तो शुरुआत कहां से होती है वर्टिब्रेट में, हम जनरली साइक्लोस्टोम से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट में साइक्लोस्टोम्स, जैसे कि आपने पढ़े हैं पेट्रोमाइजोन और माइक्सीन, वहां से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है ब्रेन का कुछ ज्यादा ही। मैमल्स तक आते आते ब्रेन हाईली एडवांस डेवलप होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं, तो हम एक बेसिक पाइसिस का लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पाइसिस की ही आपको क्रेनियल नर्व्स की स्टडी करनी है। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम शो किया है, दिस डायग्राम इज द ब्रेन रिप्रेजेंटिंग, एंड दिस इज द ब्रेन ऑफ अ पाइसिस, जो शार्क होती है जनरली, स्कॉलियोडन जैसा, या बोनी फिश होती हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर सबकी एक ही जैसी होती है। तो इसमें आपको अभी समझ में नहीं आता होगा कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं ये सारे, मैं आपको एक अलग से बना के दिखाता हूं ब्रेन किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका बन जाता है फिश का ब्रेन। तो फिश के ब्रेन में आप ये जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट का ये हिस्सा जो देख रहे हैं, ये सेरिब्रम कहलाता है इसका। ये क्या है इसका, सेरिब्रम। ठीक है, अब ये जो सेरिब्रम है ये फिश के अंदर नॉर्मल साइज का होता है, ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये बीच का, इससे नीचे का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा थोड़ा सा इससे कवर्ड रहता है, इसको डायनसेफलॉन कहते हैं। ये ज्यादा डेवलप नहीं होता है, इसके अंदर कम है। इसके बाद ये जो पार्ट है ये ऑप्टिक लोब का पार्ट है, फिश में ऑप्टिक लोब होता है। और ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, दिस ये होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, दिस इज सेरिबेलम। और यहां पर एक स्ट्रक्चर यहां पर फिश के अंदर बन जाती है और
जिसको रेस्टिफॉर्म बॉडी कहा जाता है, ये फिश के अंदर ही होती है और ज्यादा और किसी एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। और ये नीचे जो है इसको कहते हैं मेडुला ओब्लॉन्गाटा, दिस इज कॉल्ड मेडुला ओब्लॉन्गाटा। ठीक है, ये सारे पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। अभी आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा, दिस इज द ब्रेन, पूरा ब्रेन है ये। इसमें सबसे ऊपर का मोस्ट पार्ट पर सेरिब्रम होता है नॉर्मल साइज का, उसके बीच में यहाँ पर छिपा होता है ये एनसेफलॉन, ये ऑप्टिक लोब से छिप जाता है, क्योंकि ऑप्टिक लोब से ये ज्यादा कुछ बड़े होते हैं इसलिए इसके नीचे दब जाते हैं एनसेफलॉन। इसके ऊपर ऑप्टिक लोब्स के ऊपर क्या है, ये सेरिबेलम, सेरिबेलम ने ऑप्टिक लोब्स को भी कवर कर लिया है और ये रेस्टिफॉर्म बॉडी होती है। ये डॉट्स ऊपर की साइड से जब हम देखते हैं ब्रेन को तब ये ऐसा दिखेगा, और अंदर साइड में जब देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, सेरिब्रम, और सेरिब्रम में नीचे वाला ये ऑप्टिक लोब्स आ जाएगा। ठीक है, ऑप्टिक लोब्स के नीचे ये जो दो बॉडीज दिख रही हैं ये आर कॉल्ड इंटीरियर बॉडी, डायग्राम को देख लीजिए जिसमें ऑलरेडी बना हुआ है। ये क्या है, दिस इज सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम के नीचे ये पार्ट जो है दिस इज ऑप्टिक लोब, ये क्या है ऑप्टिक लोब। इसके बाद ये जो ऊपर हिस्सा है और एक नीचे हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अभी बताया मैंने सेकस वेस्कुलोसस, क्या है ये सेकस वेस्कुलोसस, और ऊपर जो हिस्सा है वो इनफंडिबुलम। ठीक है, ऊपर क्या है इनफंडिबुलम, और ये जो इसमें ये लगे हुए हैं दिस इज इंफीरियर लोब, अभी बताया ना इंफीरियर लोब है, और इसके नीचे ये जो है दिस इज हाइपोफाइसिस, और बाकी ये जो पार्ट आ गया मेडुला ओब्लॉन्गाटा। ठीक, तो ये वेंट्रल व्यू, ये है वेंट्रल व्यू, और ये है डॉर्सल व्यू। इस डॉर्सल व्यू में देखिए सामने साफ दिख रहा है सेरिब्रम, ऑप्टिक लोब्स, ये सेरिबेलम है, और फिर इसके नीचे ये रेस्टिफॉर्म बॉडी, दिस इज मेडुला ओब्लॉन्गाटा। तो इस तरीके से ये ब्रेन की स्ट्रक्चर है। तो मैं अब आपको ब्रेन के पार्ट्स बता देता हूं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। जनरली ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन, इसको साइंटिफिक नेम प्रोजेंसेफलॉन कहा जाता है, सेफेलॉन। ब्रेन को साइंटिफिकली सेफेलॉन नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सेफेलॉन। तो इस सेफेलॉन के तीन पार्ट होते हैं प्रोजेंसेफलॉन, सेकंड पार्ट होता है मिड ब्रेन,
इसको क्या बोलते हैं, मीजेंसेफलम, दैट इज कॉल्ड मीजेंसेफलम. ध्यान से याद कर लीजिएगा, फोर ब्रेन प्रोजेंसेफलॉन, मिड ब्रेन मीजेंसेफलम, थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन सबसे पीछे का हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड रोम्बेंसेफलम. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके फर्दर डिवीजन की. फोर ब्रेन जो होता है फर्स्ट फोर ब्रेन, ये फर्दर तीन हिस्सों में बटा होता है. फोर ब्रेन में सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो ओल्फैक्टरी लोब बनाता है, ओल्फैक्टरी लोब. जनरली क्या होता है, पाइसिस के अंदर ओल्फैक्टरी लोब बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज होता है पाइसिस के अंदर. क्यों? क्योंकि ये स्मेल करने के काम में आता है, स्मेलिंग के लिए, और पाइसिस के अंदर स्मेलिंग अच्छी खासी होती है, इसलिए ओल्फैक्टरी लोब लार्ज रहते हैं थोड़े से. ओल्फैक्टरी लोब में एक स्ट्रक्चर और होती है दैट इज कॉल्ड बल्ब. ये किसी किसी पाइसिस के अंदर दोनों होती है, फिश के अंदर कुछ में दोनों ही स्ट्रक्चर मिलेंगे, ओल्फैक्टरी लोब भी मिलेगा और बल्ब भी मिलेगा, लेकिन कुछ में सिर्फ ओल्फैक्टरी लोब मिलेगा. हम लोगों में ओल्फैक्टरी बल्ब पाया जाता है, ठीक है. और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम, और थर्ड जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड डायनसेफलॉन. अब इनके फर्दर साइंटिफिक नेम, ओल्फैक्टरी लोब को राइनेंसेफलॉन कहा जाता है. तो क्या बोलेंगे, राइनेंसेफलॉन. और सेरिब्रम जो होता है इसको टीलेंसेफलॉन कहा गया. इसे क्या बोला जाएगा, सेरिब्रम को टीलेंसेफलॉन, और डायनसेफलॉन को जो है थैलामेंसेफलॉन कहा जाता है. थैलामिन सेफलॉन, ये डिवीजन जो होती है वो हर एक एनिमल्स के अंदर, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं सभी के अंदर ये डिवीजन मिलती है. फोर ब्रेन की ओल्फैक्टरी लोब भी मिलेगा, किसी में बल्ब मिलेगा, तो ये पार्ट जो होता है राइनेन सेफलॉन कहलाता है. सेरिब्रम टीलेन सेफलॉन होता है, राइनेन सेफलॉन थैलामिन सेफलॉन होता है. सेरिब्रम के नीचे का पार्ट जो होता है उसे कहते हैं डायन सेफलॉन, ठीक है. अब अगर हम मिड ब्रेन की बात करें, सेकंड पार्ट जो है मिड ब्रेन, जिसे कि मीजेन सेफलॉन कहा गया है. क्या कहा गया, मीजेन सेफलॉन. इस मीजेन सेफलॉन में खास बात क्या होती है, एक चीज पाई जाती है जिनको ऑप्टिक लोब्स कहते हैं. ऑप्टिक लोब्स का रूफ वाला हिस्सा जो होता है, रूफ अपर सरफेस जो होती है, उसको स्पेशल नाम दिया गया ऑप्टिक टेक्टम. तो पाइसिस के अंदर ये स्ट्रक्चर जरूर मिलती है, ऑप्टिक टेक्टम, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. तो अपर सरफेस और ऑप्टिक लोब्स इज कॉल्ड ऑप्टिक टेक्टम, ऑप्टिक टेक्टम कहलाता है. अब पाइसिस के अंदर ऑप्टिक लोब्स, पाइसिस हो या एम्फीबिया हो, ऑप्टिक लोब्स की संख्या दो होती है. ऑप्टिक लोब्स दो होते हैं, डॉर्सल साइड में होते हैं, एक इधर और एक इधर, इस तरीके से ऑप्टिक लोब्स होते हैं. इनको कार्पोरा बाइजेमिना बोला जाता है, बाई जेमिना. लेकिन जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनमें फोर होते हैं, कार्पोरा क्वाड्री जेमिना बोला जाता है, क्वाड्री जेमिना.
क्योंकि उनमें 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, और खास बात क्या है, ये ऑप्टिक लोब सॉलिड होते हैं, अंदर से खोखले नहीं होते हैं, जबकि इनके ऑप्टिक लोब्स हॉलो होते हैं, इनके अंदर कैविटी मिलती है, ऑप्टिक लोब्स में कैविटी पाई जाती है। अभी हम एक ही करके सबकी कैविटी भी बता देंगे आपको, कैविटी को क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, ये है ऑप्टिक लोब्स, यानी कि मिड ब्रेन में क्या मिलता है, ऑप्टिक लोब्स मिलता है। थर्ड जो पार्ट है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में ही सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर मिलती है। लोअर से बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन में सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम, और दूसरी स्ट्रक्चर जो होती है उसको कहते हैं पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। थर्ड जो है मेडुला ओब्लॉन्ग गाटा बोला जाता है। अब आपको इसमें रिमेम्बर करना है, सेरिब्रम जो होता है वो पाइसिस के अंदर मिलेगा और मेडुला ओब्लॉन्गा, पॉन्स वेरोलाई पाइसिस में नहीं मिलेगा, तो स्ट्रक्चर थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। सेरिब्रम को नाम जो वो सेरिबेलम सॉरी सेरिबेलम को जो नाम दिया जाता है क्या बोलेंगे इसे, माइलेन सेफेलॉन। ठीक है, फिलहाल उसको छोड़ दे देंगे क्या बोला जाएगा क्या नहीं। ओब्लॉन्गाटा जो होता है इसको कहा जाता है माइलेन सेफेलॉन, और इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के बोला जाता है मीटेन सेफेलॉन। पॉन्सपेनुलाई और सेरिबेलम को मिला के बोलते हैं मीटेन सेफेलॉन। तो फिलहाल पाइसिस के अंदर आपको पॉन्स वेरुलाई नहीं मिलता है। तो देखिए हमने अभी जो स्ट्रक्चर बनाए उसमें सेरिब्रम हो गया, ओल्फैक्टरी लोब कहाँ है, ये दो जो है ऑप्टिक ओल्फैक्टरी लोब है, दीज आर ओल्फैक्टरी लोब, और ये है ओल्फैक्टरी सैक। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है सेरिब्रम, और थर्ड है डेंसिफ्रॉन, ये 4 ब्रेन के पार्ट है। बचा क्या ऑप्टिक लोब्स, ये ऑप्टिक लोब ये जो पार्ट है यहाँ पर, तो ये जो पार्ट है ये ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन बना रहा है, फिर हाइंड ब्रेन में ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम काफी ऊपर तक जाता है जो ऑप्टिक लोब को कवर कर लेता है डॉर्सल सरफेस से, और पीछे की तरफ ये मेडुला ओब्लॉन्गा को कवर करता है। ठीक है, एक रेस्टिफॉर्म बॉडी तो होती है हिसाब से, तो ये सारे पार्ट जो है वो हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं। क्या क्या, ऑप्टिक लोब, नहीं ऑप्टिक लोब तो मिड ब्रेन का है, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लॉन्गा ये क्या है हाइंड ब्रेन के पार्ट है, ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन का पार्ट है। क्लियर। अब अगर हम क्रेनियल नर्व्स देखें तो क्रेनियल नर्व्स देखने से पहले पोजीशन कहाँ है इनकी, तो उससे पहले आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं। पाइसिस एम्फीबियंस के अंदर क्रेनियल नर्व्स का नंबर 10 पेयर्स होता है, पाइसिस के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर यानी कि फ्रॉग के अंदर 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं। लेकिन पाइसिस के केस में कुछ में क्या होता है, एक फर्स्ट एक पेयर और होता है, वन पेयर और होता है, टोटल मिला के 11 पेयर्स हो जाते हैं, बट वो वन पेयर कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि वो बाद में डिस्कवर हुआ था नर्व्स का, वो ज्यादा काउंट नहीं करते हैं, उसको हम 10 पेयर ही क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनके नाम क्या क्या है, तो पहले तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ, उसके बाद आप इनके ट्रिक्स याद कर लीजिए किस तरीके से आपको याद करना है लाइन से सिक्वेंस वाइज। तो ये ओल्फैक्टरी नर्व पहला, फर्स्ट जो नर्व है ओल्फैक्टरी नर्व बोला जाता है, इनको रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट है तो रोमन नंबर से हमने इसको शो कर दिया, सेकंड नर्व को सेकंड रोमन नंबर से दिखाएंगे, सेकंड जो नर्व है दैट इज कॉल्ड
ऑप्टिक नर्व, ठीक है। थर्ड नर्व आएगी ऑप्टिक, और ऑप्टिक के बाद जो नर्व होती है दैट इज कॉल्ड ऑकुलो मोटर नर्व। ये कौन सी नर्व है? ऑकुलोमोटर, थर्ड वाली। फोर्थ वाली जो नर्व है दैट इज कॉल्ड ट्रोक्लियर नर्व। ये क्या बोलते हैं? ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर नर्व। इसका सेकंड नाम है पैथेटिक नर्व, पैथेटिक नर्व। फिफ्थ नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व, दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक। सिक्स नंबर की जो नर्व है उसको एब्डुसेंस नर्व बोला जाता है। सेवन नंबर की नर्व है फेशियल नर्व, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नर्व। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेवन। एट्थ नंबर की नर्व दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी, ऑडिटरी, ठीक है। इसके अलावा इस नर्व के दो नाम और होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। अभी हम इसके सब सप्लाईज बताएंगे क्या क्या है। अच्छा, ऑडिटरी नर्व के जो और नाम है उनको, इसका नाम है एक्वास्टिक, और एक नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, कॉक्लियर मतलब कॉक्लियर, जो इंटरनल एयर होता है कॉक्लियर, उसको सप्लाई करती है, इसलिए इसका नाम है कॉक्लियर। तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ऑडिटरी या एक्वास्टिक नर्व, हियरिंग करने के लिए है इसलिए। अब बची कौन सी? नाइन्थ नंबर की नर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लॉसो फेरेंजियल, ग्लॉसो फेरेंजियल। टेंथ, टेंथ नंबर की जो नर्व है दैट इज कॉल्ड वेगस नर्व। अब इसके अलावा जो नर्व है 11 और 12, ये पाइसेस एंड फीमेल्स के अलावा दूसरे एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं। जैसे 11 नंबर की है स्पाइनल एसेसरी, ठीक, और 12th नंबर की होती है हाइपोग्लोसल, हाइपो ग्लोसल। ये 12 पेयर्स नर्व होती हैं जो कि पाइसेस के अलावा काफी सारे एनिमल्स में, एम्फीबियंस को छोड़कर रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स के अंदर पाई जाती है 12 पेयर्स। बाकी 10 पेयर जो होती हैं वो सब पाइसेस और एम्फीबियंस में होती हैं। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ओल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लोमीटर ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल एब्डुसेंस फेशियल ऑडिटरी ग्लॉसोफेरिंजियल बेगस स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल। अब आपको इसमें ये याद करना है, अच्छा पहले मैं आपको ये ट्रिक बता दूं किस तरीके से आपको इनको याद करना होगा। एक ट्रिक आप ये याद कर लीजिए, ऑन ऑकेशन, मैं लिख देता हूं पहले, ये ट्रिक लिखा हुई है ऑन ओकेशन, ऑन ओकेशन ऑफ ट्रीट द एरोगेंट फेसेस आर गिविंग वेरी स्पाइसी हैप्पीनेस, द एरोगेंट फेसेस आर गिविंग वेरी स्पाइसी हैप्पीनेस ऑन ओकेशन ऑफ ट्रीट, ठीक है, ऑन ओकेशन ऑफ ट्रीट
एक ट्रीट की ओकेशन पर द एरोगेंट फेसेस आर गिविंग वेरी स्पाइसी हैप्पीनेस. एरोगेंट फेसेस जो होते हैं बहुत अच्छे हैप्पीनेस खुशी देते हैं. इस तरीके से ये ट्रिक एक ट्रिक है निमोनिक्स. इसको आप याद कर लोगे तो आसानी से सारे ही ऑल्फैक्टरी नर्व याद हो गए. ऑन ऑन मतलब हो गया ऑल्फैक्टरी नर्व, ओकेशन हो गया ऑप्टिक नर्व, ऑफ हो गया ओकुलोमोटर नर्व, और ट्रीट हो गया ट्रोक्लियर नर्व, द हो गया ट्राइजेमिनल, एरोगेंट हो गया एब्डुसेंस, फेसेस हो गया फेशियल, आर हो गया ऑडिटरी, गिविंग हो गया ग्लॉसोफेरेंजियल, वेरी हो गया वेगस, स्पाइसी हो गया स्पाइनल, एसेसरी हैप्पीनेस हैपोग्लोसल. आपको ये दो तो याद करने नहीं है क्योंकि ये पाइसिस में नहीं होती है. ठीक है, तो वेरी तक याद कर लीजिए. अब ट्रिक पूरी याद कर लो और लास्ट के दो क्रेनियल नर्व छोड़ देना, टेन पेयर तक याद कर लेना. ठीक है, अभी आपको एक ट्रिक और याद करनी है. उसमें आपको क्या करना है, इन क्रेनियल नर्व्स के बारे में ये पता करना है कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स्ड है. तीन तरीके की नर्व्स होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड. तो आपको अब इसमें बताना है कि कौन कौन सी सेंसरी है, कौन कौन सी मोटर है. ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, दैट इज कॉल्ड सम सेज. मैं लिख देता हूं, ये है इसकी ट्रिक. सम सेज मनी मैटर्स, सम सेज मनी मैटर्स, बट माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर. My brother says, big book matter more. ठीक है, some says money matters, but my brother says, big book matter more. कैसे निकलेंगी अब देखो इनसे क्या क्या है. Some मतलब हो गया sensory nerve. तो जो पहली nerve होती है olfactory nerve sensory होती है. Second जो है वो भी sensory होती है. ऑल्फैक्टरी जो थर्ड नर्व है ये होती है मोटर. ठीक है, और फोर्थ नर्व ये भी है मोटर. फिफ्थ नर्व है ये बोथ होती है, बोथ का मतलब मिक्स्ड होती है, सेंसरी और मोटर दोनों ही है. फिर उसके बाद जो है वो मोटर है, ब्रदर आ गया बी फॉर बोथ, बोथ मतलब मिक्स्ड. ठीक है, सेज फिर सेंसरी हो गई, बिग है फिर मोटर हो गई, यानी कि मिक्स्ड हो गई, बिग बोथ हो गई, बिग मतलब बोथ, बुक फिर से बोथ मिक्स हो गया, मैटर है मोटर हो गई. ये है इस बेस पर. और उसके बाद मोर फिर से मोटर. तो सीक्वेंस क्या बन रहा है देखो, सेंसरी मोटर, सेंसरी सेंसरी, दो सेंसरी हैं, सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर, मिक्स मोटर मिक्स सेंसरी, मिक्स के साथ मोटर बनी फिर मिक्स सेंसरी, फिर मिक्स मिक्स मोटर मोटर. इस तरीके से ये सारी क्रेनियल नर्व्स आप लाइन से याद करेंगे. ऑल्फैक्टरी सेंसरी है, ऑप्टिक भी सेंसरी है, ऑक्युलोमीटर मोटर है, ट्रोक्लियर मोटर है, ट्राइजेमिनल मिक्स है, एब्डुसेंस मोटर है, फेशियल मिक्स है. ठीक है, तो मिक्स सेंसरी फिर मिक्स मिक्स और मोटर मोटर. इस तरीके से आपको ये 12 पेयर्स के नर्व्स कौन सी सेंसरी कौन सी मोटर है ये याद हो जाएंगी. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें क्या है, आपको अगर ये क्रेनियल नर्व्स याद हो गए तो मेन आपको क्रेनियल नर्व्स एग्जाम में जो लिखनी है वो 5, 7, 9, 10 की लिखनी है. तो 5 वाली क्रेनियल नर्व कौन सी है, ट्राइजेमिनल. ठीक है, 5 क्रेनियल नर्व्स कौन सी है, ट्राइजेमिनल. तो जो ट्राइजेमिनल वाली नर्व है पहले आप ये देखिए कौन सी नर्व है. देखिए ये है ट्राइजेमिनल, ये कौन सी है, मिक्स है.
तो ट्राइजेमिनल वाली नर्व कौन सी है, मिक्स्ड है, कोई याद रखना है, ठीक, कौन सी है, फिफ्थ नंबर, आदो सेवेंथ नंबर पे है, सेवेंथ नंबर की नर्व है फेशियल नर्व। ये कैसी नर्व है देखिए, ट्राइजेमिनल मिक्स हो गई, एब्डुसेंस मोटर हो गई, फेशियल फिर से मिक्स हो गई, तो फेशियल नर्व जो है ये कैसी है, ये भी मिक्स्ड है, नाइन नंबर की नर्व पे आ जाओ, ठीक है, नाइन नंबर की नर्व कौन सी है, ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल। तो ग्लोसोफेरिंजियल जो नर्व है वो कैसी नर्व है, ये भी आपको याद रखनी है, तो ग्लोसोफेरिंजियल इज ऑल्सो ए मिक्स नर्व, आप यहां से देख सकते हो, ग्लोसोफेरिंजियल ये है, लास्ट के दो बचे, लेकिन यहां पे कितने, ये तो ज्यादा है ना, एक दो तीन बचेंगे, तो एक दो तीन, ये वाली मिक्स आ गई ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल की मिक्स हो गई। नंबर टेन, टेन कौन सी है, बिगस, तो बिगस वाली कैसी, कौन सी नर्व है, बिगस नर्व भी मिक्स्ड नर्व है। ये कुल मिलाकर आपको चार नर्व्स लिखना है और डायग्राम में भी ये चारों को ही दिखाना है, लेकिन अब आप मेन चीज पढ़िए, ट्राइजेमिनल और फेशियल ये दोनों ही नर्व ब्लैगो अट्टू के केस में क्या होता है कि ब्रेन से तो ये अलग अलग ही निकलती हैं, ओरिजिनेशन इनकी अलग अलग है, लेकिन निकलने के बाद ये तुरंत मिल जाती हैं, ठीक है, और जब मिल जाती हैं तो इनका जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनो फेशियल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्राइजेमिनो फेशियल कॉम्प्लेक्स। ग्लोसोफेरिंजियल सेपरेट रहती है, बिगस वो भी सेपरेट रहती है। अब हमें क्या देखना है, इनकी ब्रांचेस देखनी है, तो अभी के लिए मैं ट्राइजेमिनल को रफ करता हूं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम ट्राइजेमिनल ब्रांचेस की नर्व देख लेते हैं। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, हर किसी में, अब एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेगा किसके अंदर कितनी ब्रांचेस होंगी, जो आपने स्कॉलियोडॉन सेकेंड ईयर में पढ़ा उसमें ब्रांचेस अलग थी, थोड़ी सी वैसे मैच करेंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल अलग हो, तो ये नर्व जो है, पहली चीज ये याद रखना कि सभी नर्व में से सबसे ज्यादा थिक नर्व है ये, थिकेस्ट नर्व, और सबसे ज्यादा लंबी नर्व है, लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल होती है, ठीक है। तो अब जो ट्राइजेमिनल नर्व है इनसे तीन ब्रांचेस निकलती हैं, कौन कौन सी, एक तो निकलती है ऑफ्थैल्मिकस, ऑफ्थैल्मिक सुपरफिशियलिस, सेकंड जो नर्व ब्रांचेस इसकी होती है वो मैक्सिलरिस होती है, मैक्सिलरिस, थर्ड जो होती है वो मैंडिबुलरिस, ठीक है, ये तीन नर्व्स होती हैं ब्रांचेस इस नर्व्स की। जबकि फेशियल जो है इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो होती है इसमें बुकेलिस और इसमें भी मैक्सिलरिस होती है एक, मैक्सिलरिस
मैंडिबुलरिस भी है, ठीक है, इसके अलावा एक हायोमैंडिबुलर भी है, हायो मैंडिबुलरिस, इसके अलावा कुछ नर्व्स ब्रांचेस और निकलती हैं। अब ये ब्रांचेस एक ट्रंक की फॉर्म में निकलती हैं, तो इन सभी ब्रांचेस को मिलाकर, क्योंकि ये दोनों नर्व मिल जाती हैं फेशियल और ट्राइजम में, इसलिए कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स से वैसे तो ये ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम इन ब्रांचेस को अलग अलग ना करें, इनके ट्रंक बनाएं, तो एक ट्रंक बनेगा आपका सुप्रा ऑर्बिटल ट्रंक, सुप्रा ऑर्बिटल ट्रंक, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल ट्रंक के अंदर जो ब्रांचेस बनेंगी वो आपकी ऊपर मैंने जो लिखी है ऑप्थेल्मिकस, उसकी दो ब्रांचेस बनती हैं सुप्रा ऑर्बिटल ट्रंक के अंदर, और बाकी जो है वो इसके अंदर आती है इंफ्रा ऑर्बिटल ट्रंक में, इंफ्रा ऑर्बिटल ट्रंक। थर्ड जो ट्रंक होता है वो हायर मैंडिबुलर ट्रंक होता है, हायर मैंडिबुलर ट्रंक। सुप्रा इंफ्रा वाले में, इंफ्रा ऑर्बिटल ट्रंक में बुकेलस मैक्सिलरिस मैंडिबुलरिस ये नर्व्स आती हैं, ये ब्रांचेस होती हैं। इसकी फर्दर जो ब्रांचेस हैं ये तीन ब्रांचेस बुकेलिस मैक्सिलरिस मैंडिबुलरिस, जबकि हायर मैंडिबुलरिस में पहली जो ब्रांचेस निकलती है ट्रंक से इसको कहते हैं पैलेटिनस। क्या नाम इसका? पैलेटिनस। और एक निकलती है अपर कुलेरिस जो अपर कुलम को जाती है। दूसरी ब्रांचेस इसी में से आती है हायोडियन ब्रांच, ठीक है, हायोडियन ब्रांच। इसके अलावा एक ब्रांच निकलती है मैंडिबुलरिस ब्रांच, और फिर एक निकलती है लैटरलिस। ये सारी ब्रांचेस, तो आपको ये सारी ब्रांचेस के नाम याद करना है, आपको ये नहीं बताना है कि कौन सी ब्रांच कहां से निकल रही है, सिर्फ आप ये जोड़ दीजिए ट्राई टर्मिनल से ये तीन ब्रांचेस हैं और फिल्म मैक्सिलरी मैंडिबुलरिस, फेशियल से ये सारी हैं बुकेलिस मैक्सिलरिस मैंडिबुलरिस हायर मैंडिबुलरिस, ठीक है, और अपर कुलेरिस। अब इसको आप डायग्राम में कैसे शो करेंगे, तो यहां पर ये जो आप नर्व देख रहे हैं दिस इज सुप्रा ऑर्बिटल ट्रंक कह सकते हो। इस ट्रंक से देखिए ये जो ब्रांचेस निकली हैं दो, ये हैं ऑप्थेल्मिकस, ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस, सुपरफिशियलिस। एक इसमें एक्सटर्नस होती है और एक इसमें होती है इंटरनस, ये वाली जो है इंटरनस है और ये वाली एक्सटर्नस है, एक अंदर होती है इंटरनस, एक बाहर होती है, ठीक है। सेकंड जो नर्व ये हमने बनाई है दिस, ये बुकेलिस हो गई, बुकेलिस से ही लगी है ये जाएगी मैक्सिली में, तो ये हो गई मैक्सिलरिस, ठीक है, जो मैक्स बार्बल्स को जाती हैं, इनके पास जो बार्बल्स लगे होते हैं मैक्सिलरी बार्बल्स बार्बल्स उसको इंपल्स जाती है नर्व्स इसकी मैक्सिलरिस की। इसके बाद आपका ये जो ट्रंक वाला हिस्सा दिख रहा है मेन ब्रांचेस, इसमें ये मैंडिबुलरिस की ब्रांच है,
मैंडिबुलरिस, कौन सी वाली मैंडिबुलरिस है, फिफ्थ नंबर की, ठीक है, ट्राइजेमिनल की मैंडिबुलरिस की नर्व है ये, और ये जो बाकी है ये वाला ट्रंक आ रहा है, दिस इज हायर मैंडिबुलर ट्रंक है, इससे कौन कौन सी नर्व निकलती है, एक तो हायोडियन ब्रांच, तो ये जो नीचे की दिख रही है आपको ये है हायोडियन, हायोडियन ब्रांच, और ये जो दिख रही है दैट इज अ मैंडिबुलरिस, तो ये जो दो आपको मैंडिबुलरिस दिख रही है, एक सेवेंथ की मैंडिबुलरिस है ये, और ऊपर वाली फिफ्थ नर्व्स की मैंडिबुलरिस है, ठीक है, तो ये हायोडियन ब्रांच है पूरी, ये हायोडियन ट्रंक है, इस हायोडियन ट्रंक से ये जो नर्व निकल रही है ये अपर कुलम को जा रही है, तो दिस इज अपर कुलेरिस, इसे क्या बोलेंगे, अपर कुलेरिस, यहां पर एक शॉर्ट नर्व निकलती है इस तरीके से, यहां पर ये है प्लैटिनस, एंटीरियर प्लैटिनस, आगे के साइड में स्नाउट में जाती है, उसके बाद ये तो बात हो गई किस किस की नर्व की, फिफ्थ और सेवेंथ नंबर की, यहां पर ये जो नर्व जा रही है सिंगल ये है नाइन्थ नंबर की, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ये कहां जाती है, ये फर्स्ट गिल स्लिट्स को जाती है, ध्यान रखना किसको जाती है, स्लिट्स, फर्स्ट गिल स्लिट्स, फोर पेयर गिल्स होते हैं इसके अंदर, ब्लैक अट्टू में फोर पेयर गिल्स पाए जाते हैं, गिल पाउच होते हैं, लेकिन फाइव जो होते हैं, फाइव पेयर्स गिल स्लिट्स होती हैं, गरारे फाइव पेयर्स होते हैं, अब यहां पर देखिए एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, फोर है, ये फोर नर्व्स फोर राइट में होती है, फोर लेफ्ट में होती है, दिस इज कॉल्ड ब्रांचियलिस, इसे क्या बोलते हैं, ब्रांचियलिस, तो ये ब्रांचियलिस नंबर वन है, ये टू है, ठीक है, और ये है थ्री, और ये है फोर, तो आप देख रहे हैं हर एक ब्रांचेस से दो दो नर्व निकल रही है, एक ये और एक ये जो नर्व है ब्रांचियलिस की, इसको प्री ट्रीमेटिक ब्रांच कहा जाता है, और ये है पोस्ट ट्रीमेटिक ब्रांच, एक गिल्स के आगे से जाएगी और एक गिल्स के पीछे से जाएगी, ठीक है, तो आगे वाली प्री ट्रीमेटिक ब्रांच और पीछे वाली पोस्ट ट्रीमेटिक, तो चारों पेयर में दो दो ब्रांचेस होंगे, पोस्ट और प्री, ग्लॉसोफेरिंजियल सिंगल होगी, और इसके बाद ये जो लास्ट वाली जो ब्रांच आ रही है, ठीक है, ब्रांचियलिस के बाद ये है बिसरेलिस, बिसरेलिस वाली ब्रांच, ठीक है, और ये जो गई है दैट इज लैटरलिस, ठीक, अब आप देख लो ये ग्लॉसोफेरिंजियल नाइन्थ नंबर की नर्व थी, अब ब्रांचियलिस बिसरेलिस लैटरलिस ये किसकी नर्व है, ये है वेगस की टेंथ नंबर की, तो जो टेंथ नंबर की वेगस नर्व है उसमें ये ब्रांचेस होती है ब्रांचियलिस विसरेलिस और लैटरलिस, लैटरलिस जो होती है लैटरल साइड से सीधी बॉडी पूरी बॉडी लेंथ तक कवर करती है, ठीक है, ये सारी नर्व्स हमने यहाँ पर शो कर दी, अब एक एक करके देख लीजिए कि इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रही है, एक यहाँ पर जो हमने नहीं दिखाई है वो है ऑल्फैक्ट्री नर्व, जो सीधे सीधे कहाँ जाती है, ओल्फैक्टरी सैक में जाती है, ओल्फैक्टरी लोब के अंदर, वो यहाँ नहीं दिखाते क्योंकि वो अंदर है ब्रेन के अंदर है, ठीक, और ऑप्टिक नर्व जो यहाँ पर आईज बनेगी उसको सप्लाई जाएगी ऑप्टिक नर्व की, क्लियर, और बाकी अब देखिए जो ब्रांचेस हैं, जैसे कि ट्राइजर्मिनल वाली है, ट्राइजर्मिनल नर्व में जो सुप्रा ये जो ऑफ्थेल्मिक सुपरफिशियल जो नर्व है ये नर्व कहाँ जाती है, देखो ये जा रही है स्नाउट में, ये जो स्नाउट है स्नाउट फिश का जो स्नाउट है उसकी स्किन को सप्लाई जाती है, किस किस की, ऑफ्थेल्मिका सुपरफिशियलिस की, और आपको पता है ये बेकलिस है ये भी कहाँ जा रही है, स्नाउट में जा रही है, ठीक है, बेकलिस बकल कैविटी में जा रही है, तो जो बेकलिस वाली नर्व है ये इनर्वेट करती है स्किन ऑफ स्नाउट और मैक्सिलरी बारबल्स, बकेलिस ये मैक्सिलरी बारबल्स को भी इसकी सप्लाई जा रही है, और
बार्बल्स के अलावा कहाँ जाएगी? स्नाउट के अंदर, स्किन में। मैक्सिलरिस जो ब्रांच है ये है मैक्सिलरिस, ये बुकेलिस के साथ ही जुड़ा हुई है, देखो बुकेलिस से ही जुड़कर एसोसिएटेड होकर ही चलती है, ये भी बार्बल्स में ही जाती है, मैक्सिलरिस बार्बल्स में। मैंडिबुलरिस जो होती है इसकी दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक्सटर्नस और इंटर्नस, ये एक्सटर्नस या इंटर्नस, ये दोनों ही ब्रांच मैंडिबल्स को सप्लाई करती है। मैंडिबल्स जो लोअर हिस्सा होता है ये मैंडिबल्स होता है, इसको सप्लाई जाती है। और जो एंटीरियर प्लैटिनस वाली जो ब्रांचेस है ये शॉर्ट वाली, ये फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी का फ्लोर होता है ऊपर का हिस्सा, उसको सप्लाई जाती है। ठीक, उसके बाद आपकी आ गई मैंडिबुलरिस हो गया, मैंडिबल्स को जाती है सप्लाई। और जो फेशियल की मैंडिबुलरिस है ये मैंडिबल्स को जाती है और टीथ को भी जाती है इसकी सप्लाई। हायोडियम जो है ये ब्रांच होती है जो एक मेम्ब्रेन को सप्लाई जाती है, जिसको कहते हैं ब्रांचियो स्टीगल मेम्ब्रेन। ये हायोडियम ब्रांच की सप्लाई जो होती है इस ब्रांचियो स्टीगल मेम्ब्रेन को सप्लाई देती है। और मैंडिबुलरिस वाली जो है मैंडिबल्स और टीथ को सप्लाई करती है, और अपरकुलरिस अपरकुलम को सप्लाई करती है। ठीक, बाकी कौन सी बची? ये जो है ग्लॉसोफेरिंजियल, ये फर्स्ट गिल स्लेट्स को सप्लाई जाती है, फर्स्ट गिल स्लेट्स ब्रांचियल इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये गिल्स को सप्लाई करती है, फर्स्ट से लेकर फोर्थ पेयर्स जो गिल्स होते हैं उनको 1, 2, 4, 3 ब्रांचियलिस वाली सप्लाई जाती है। ब्रिस्टलिस जो होती है ये बिसरल ऑर्गन को सप्लाई करती है, जैसे कि गट है, स्टमक है, इनको सप्लाई जाती है, हार्ट है इसको ब्रिस्टलिस की सप्लाई जाती है। लैटरलिस जो है वो लेटरल साइड की सप्लाईज करती है, लेटरल लाइन जो सिस्टम होता है फिश के अंदर, ठीक है, उस लेटरल लाइन सिस्टम को लेटरलिस की सप्लाई जाती है। तो यहाँ तक आपको बताना होगा, क्लियर? तो आप इसको याद कर लीजिए प्रॉपर वे में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 5, 7, 9 और 10 नंबर की ब्रांचेस के बारे में ही आपको याद करनी है, उसकी ही सप्लाई बतानी है मेनली। देखो 5 और 7 यही दो ब्रांचेस हैं जो ज्यादा हैं, ठीक है, इसको आप याद करिए, ओके?